अस्सलाम वालेकुम, शेफ़ ऑनलाइन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं शनवारी चिकन कढ़ाई, जो खाने में बहुत मज़ेदार और पकाने में बहुत आसान। चिकन 1 किलो छोटे छोटे पीस कर लें और सब्ज़ मिर्च 10 से 12 अदद, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, नमक हस्ब ज़ायका, अदरक 4 इंच का टुकड़ा, और ये काली मिर्च है 1.5, और ये घी 1 कप, टमाटर 4 अदद। इसको दरमियान से काट के उसके 8 पीस बना लें। अब हमने सबसे पहले घी डाला, फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। मेरा ये देसी चिकन है, आप चाहे देसी चिकन ले लें या ब्रायलर ले लें। ये देसी था, इसको मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया पहले। अब नमक डाला है, अब इसको मिक्स करेंगे। अगर नमक अच्छी तरह चिकन में मिक्स हो जाए, तब नमक मिक्स हो गया। अब हम इसके ऊपर टमाटर के पीस रखेंगे। टमाटरों को मैंने हाफ कर लिया था, 4 टमाटर लेके उसके 8 पीस कर लिए। इनको हमने सारे चिकन के ऊपर रख दिया और ऊपर से ढाँप दिया, और हल्की आंच पे रख देना इसको 5 से 6 मिनट तक ढाँपे रखेंगे, और स्टीम से तमाम टमाटरों का छिलका ऊपर आ जाएगा। आप किसी चिमटे की मदद से छिलका उतार लें, बड़ी आसानी से उतर जाता है ये छिलका। अब इनको अच्छी तरह से मैश कर लें। देखो, मैंने सबका छिलका उतार लिया है। अब टमाटरों को चिकन में अच्छी तरह से मैश कर लें। अब इसको हमने ढाँप दिया है। अब कुछ मिनट ये ढाँपे रखेंगे और स्टीम से वो टमाटर अच्छी तरह गल जाएंगे। अब इनको थोड़ी देर भुने ताकि ये टमाटर अच्छी तरह मैश हो जाएं। अब इसमें हमने सोया सॉस डाल दी, ये काली मिर्च है, अब इनको अच्छी तरह मिक्स किया। टमाटर अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गया। अब इनको फिर ढाँप दिया हमने, ताकि जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएं। तो चिकन ने भी अपना घी छोड़ दिया है, टमाटर भी अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हमने सब्ज़ मिर्च डाल दिए, अब अदरक डाल दिए, इसको बारीक बारीक काटा हुआ था हमने। अब इनको मिक्स किया। दे याद रखना कि हल्की आंच पर पके, आंच तेज ना हो, वरना ये जल जाएगा। उसमें पानी भी नहीं डालना। अब ऊपर से ढाँप दें, क्या हल्की हल्की आंच पर पकेगा। चिकन अपना ही पानी छोड़ेगा, टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, और सब कुछ तैयार हो जाएगा। देखिए, हमारा चिकन रेडी है बिल्कुल। बहुत मज़े का ये शिनवारी चिकन कढ़ाई है, बहुत ही लजीज और पकने में भी आसान, और बहुत कम टाइम में पकती है। आप पकाएं, खाएं, फिर बताएं कि ये कैसे बनी। बहुत ही मज़ेदार है चिकन कढ़ाई, रेडी है। अब इसको गार्निश करें, पुदीने के पत्ते लगाएं, लेमन लगाएं, सब्ज धनिया है तो वो थोड़ा सा ऊपर लगाएं और मज़े से खाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेफ़ ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।